आ ही जाएंगे। देखो बाबू, हम आपको इक्वेशन पढ़ा रहे हैं ना बाबू, इक्वेशन इक्वेशन होता क्या चीज है बाबू, है ना? ठीक है सर, ठीक है। तो हम लोग क्या हेडिंग देंगे, अल्जेब्रिक इक्वेशन। अभी तक आपको हमने क्या, ये टॉपिक कौन सा चल रहा है, अल्जेब्रा चल रहा है। अल्जेब्रा का आपको हमने बेसिक से, ठीक है, आप शांति सुनो। अल्जेब्रा का हमने आपको क्या बताया बाबू, एडिशन बताया। अल्जेब्रा का क्या बताया, एडिशन बताया, है ना? अल्जेब्रा का क्या बता दिया, एडिशन बता दिया, ठीक है। लगभग 80 क्वेश्चन करवाए। अल्जेब्रा का क्या बताया बाबू, अल्जेब्रा का सब्ट्रैक्शन बताया। क्या बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, है ना? सब्ट्रैक्शन बताया, ठीक, सब्ट्रैक्शन बताया। अल्जेब्रा का क्या बताया बाबू, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना? मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। और अल्जेब्रा का क्या हो गया बाबू, डिवीजन हो गया। अल्जेब्रा का क्या हो गया, डिवीजन हो गया, है ना? तो इतना टॉपिक बाबू, अध्यांश और अध्यांश बाबू और सुधांश बाबू, है ना, इतना टॉपिक इसमें क्या हो गया, फिनिश हो चुका, है ना? अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे बाबू, अल्जेब्रा का क्या पढ़ेंगे बाबू, इक्वेशन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, अल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या करेंगे, कहेंगे, ठीक ठीक है ना, अल्जेब्रिक इक्वेशन क्या पढ़ेंगे बाबू, अल्जेब्रिक इक्वेशन, है ना? अल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अरे सारा चीज पढ़ाएंगे आर्यन, क्यों बाबू आपको बता रहे हो, सारा आगे पीछे करके सब चीज पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं बाबू कि उस बैच में जो सीक्वेंस ऑर्डर हुआ इस बैच में वो उसी सीक्वेंस ऑर्डर से फॉलो करेंगे, है ना? सारा चीज पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशन, है ना? अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन होता क्या चीज है, एकदम मन से पढ़ना है, एंजॉय करके पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना, है ना? कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी सौरभ भी नहीं आया, ठीक है बाबू। देखो इक्वेशन क्या होता है बाबू, इक्वेशन क्या होता है बाबू, ठीक है ना? तो यदि बाबू इक्वेशन क्या है, सर आए शैतान हुए हैं सर, स्क्रीन स्क्रीन शेयर पे कौन, ना अरे सर स्क्रीन शेयर कर रहा है, सर बाबू कोई आए शैतान, हुए हैं हम। अच्छा ठीक है, वेरी गुड बाबू, शैतानी करता है ना बाबू, सर बंद कर दीजिए। हाँ बंद कर दे बाबू। देखो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है बाबू, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, दो को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ला और उसको क्या कर दो, इक्वल टू साइन से अटैच कर दो। मतलब क्या सर, ऊपर ऊपर पार हो गया। देखो शांति से सुनो बाबू, कोई भी बाबू अगर इस तरह से लिखा हुआ है 6x, तो ये क्या सर, एक एक्सप्रेशन है, क्या बाबू, अलजेब्रिक क्या एक्सप्रेशन है ना बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना सर, तो ये एक्सप्रेशन हो गया सर। और इधर भी हम लोग क्या करते हैं बाबू, मान लेते हैं इधर हम लोग क्या दे देते हैं सर, 7/ दे देते हैं, है ना? ये एक एक्सप्रेशन हो गया सर, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, है ना? ये दो एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है सर, वैसा वैसा बाबू, वैसा बाबू जिसमें क्या हो, कम से कम क्या हो, एक वेरिएबल हो और क्या बाबू, कॉन्स्टेंट हो। मतलब क्या सर, क्या सर, क्या सर, मतलब कहने का ये बाबू कि अगर किसी कोई वेरिएबल है बाबू, है ना, या बाबू कॉन्स्टेंट है बाबू, तो इसको कंबाइन करके बाबू, कंबाइन करके जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे क्या सर, 6x, तो ये क्या हो गया बाबू, एक्सप्रेशन हो गया। सिंपल बाबू, है ना, सिंपल ये एक्स है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, है ना? सिंपल एक्स है तो इसको भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। कहीं ऐसे लिखा हुआ 6x/z + 7x / तो ये भी क्या होगा, वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जिसमें नंबर, है ना, जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, दो टर्म होगा। हाउ मेनी टर्म्स, वो 2 टर्म्स। तो ये सब सारा हम बता चुके हैं इसमें दिव्यांश वादन से, ना आपको बैकअप के लिए मॉर्निंग में सब बताएंगे, है ना? ठीक है, तो ये क्या सर, एकदम समझना, एकदम एलकेजी का चीज है, बेसिक। ये एक एक्सप्रेशन हो गया सर, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। ये दोनों एक्सप्रेशन को बाबू यदि इक्वल टू साइन से ज्वाइन कर देते हो, इक्वल टू साइन से अगर ज्वाइन कर देते हो, तो इसी को नाम क्या दे दिया गया, इक्वेशन। इसी को क्या नाम दे दिया, वो इक्वेशन। और यहाँ भरी है ना, वेरिएबल है ना बाबू, वेरिएबल है ना, एक्स वाई वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, अलजेब्रा में पढ़ते हैं। तो इसी को क्या कह दिया गया, वो अलजेब्रिक इक्वेशन, ड्रा दिया गया, ड्रा दिया गया, इतना बड़ा लिख के ड्रा दिया गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अलजेब्रिक इक्वेशन का, है ना, अलजेब्रिक इक्वेशन कह देंगे, है ना? ठीक, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन कह देंगे। तो इसको अगर डिफाइन करना रहेगा, डिफाइन करना रहेगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ नहीं बाबू, ये दो गो सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बाबू, उसको इक्वल टू साइन से क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, है ना बाबू? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। अब इसमें बाबू इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालेंगे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना? इसमें हम लोग अलजेब्रिक जो इक्वेशन है बाबू, है ना, उसमें उसका सोल्यूशन निकालना हम लोग जाने, है ना? तो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या होता है बाबू, एक स्टेटमेंट है, क्या बाबू, एक स्टेटमेंट है जिसमें बाबू दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ना? एक एक्सप्रेशन ये सर, दूसरा सेकंड वन एक्सप्रेशन ये सर, दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल टू साइन से ज्वाइन कर दीजिए सर, है ना? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन। सिर्फ यही हो सकता है, नहीं बाबू, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। जैसे जैसे और एग्जांपल बताइए ना सर, देखो जैसे और क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, हाँ बाबू एनीथिंग बाबू, जैसे 5x है सर, तो एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया सर, यहाँ मान लो 2 है, ठीक है सर, ये सेकंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये दोनों को क्या कर दो, इक्वल टू साइन से ज्वाइन कर दो, है ना? तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। दिस इज बाबू क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, है ना, इक्वेशन बन गया, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट समझो, अभी सारे बताएंगे, है ना? नेक्स्ट बाबू, जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे कहीं ऐसे लिखा रहे,
फाइव, मान लो बाबू यहाँ पे हमेशा फाइव एक्स दीजिएगा, नहीं बाबू कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो सिक्स एक्स एक्स बाई जेड हो गया, यहाँ पे मान लेते टू है, ठीक है बाबू, इधर जीरो है, ठीक ठीक है सर, तो ये एक टर्म हो गया बाबू, जीरो इज ऑल्सो ए टर्म बाबू, जीरो इज ऑल्सो ए टर्म है ना, ऑल्सो ए टर्म बाबू है ना, मार्कर हल्का हो गया ना, जीरो इज बाबू ऑल्सो ए टर्म, तो एक टर्म ये है सर, एक टर्म ये है सर, ये दोनों टर्म को किससे ज्वाइन कर दो, इक्वल टू साइन से ज्वाइन कर दो, इक्वल टू साइन से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, कुछ नहीं, दो गो एक्सप्रेशन लेना है सर, एगो को इधर रखना है, एगो को राइट साइड रखना है, बीच में इक्वल टू साइन बैठा देंगे, तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बाबू इक्वेशन, आर यू गेटिंग बाबू विधान, समझ में बाबू, एल के Yes, sir. जो आपने सर लिखा है 6xyz+2 और उसके आगे है इक्वल टू 0, सर जो 0 होगा सर जब हम उन्हें कंबाइन कर देंगे सर वो 20 आएगा ना, cx6xyz+20 बाबू आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा उतना अभी हम नहीं सोचते है ना, अभी आपको हम जो पढ़ा रहे हो सुनो, फिर उसको हम सोल्यूशन कैसे करेंगे वो बताएंगे है ना, वो आगे okay, क्या होगा नहीं होगा बताएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंचेंगे, पहले हम आपको ये बता रहे बाबू की इस लाइन का मतलब क्या है, टीचर देखो स्कूल में कॉलेज में टीचर आएगा ना, स्कूल में टीचर आते तो किसी से कुछ नहीं बताता, सीधे यहाँ आएगा बाबू x प्लस वन इक्वल टू जीरो जी, तो x का वैल्यू कितना जी माइनस वन, पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर स्कूल का ऐसे फॉर्मेट होता है, जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 3 है बाबू, तो 2x इक्वल टू कितना होगा बाबू 2 होगा, x बराबर कितना होगा 1 होगा, ये दूसरा नंबर सोल्यूशन है ना, आपको हम यहाँ जो हेडिंग है उसका मतलब बता रहे हैं ना, यहाँ आएंगे यहाँ पहुंचेंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिए है ना सर, 2x इक्वल टू माइनस 2 होगा ना, हाँ बाबू माइनस टू हो जाएगा, चलो ठीक है माइनस टू तो माइनस वन माइनस वन होगा, हाँ माइनस वन हो जाएगा, चलो अच्छी बात है, ठीक है, तो अभी आपको हम क्या बता रहे हैं, अभी आपको क्या बता, अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब क्या सर, तो अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब ये बाबू, दो गो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाओ, दोनों को इक्वल टू साइन से ज्वाइन कर दो, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा मैथमेटिकल जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे और कुछ नहीं है ना, है ना, अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे और कुछ नहीं, और ड्रा दिया गया है ना, तो इसको अगर हमको डिफाइन करना रहे बाबू, Adyans babu, are you getting my point or not, babu Adyans? Yes, sir, yes. हाँ, this is the babu very simple है ना, ये सब कहाँ पढ़ना है, 4th form पढ़ना, लेकिन आप लोग के स्कूल पढ़ाता नहीं तो क्या किया जाए? है ना, तो थोड़ा सा स्कूल This we will read in 2 or 3 classes. हाँ बाबू, okay बाबू, ठीक है, next, next. अब इसको थोड़ा सा define कर लेते, थोड़ा सा algebraic equation को क्या करें, define कर लेते, है ना, write down कीजिए बाबू, write down कीजिए बाबू, write down कीजिए, an equation बाबू, an equation बाबू. An equation is a statement. बाबू भी राइट करेंगे. No बाबू no. इतना कॉमेडी करोगे ना? ठीक है. An equation is a statement. An equation is a statement that बाबू that two algebraic expression are equal है ना, वेरी गुड सर, तो दिस इज द फ्रेश टॉपिक, पीछे से इसमें कोई रिलेशन नहीं है, हम जान के ये टॉपिक शुरू किया कि जो नया स्टूडेंट है बाबू पीछे वाला कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे ना तो पीछे से रिलेशन है, इसमें पीछे से कोई रिलेशन नहीं है, यू कैन कैच द कंसेप्ट बाबू है ना, विदाउट एनी लिंकिंग बाबू प्रीवियस क्लासेस, ओके बाबू नेक्स्ट, तो एग्जांपल क्या हो सकता है सर, कुछ भी लिख लीजिए जो मन में कर रहा है वो कुछ भी लिख लीजिए है ना, सही है, हो जाएगा, जैसे एग्जांपल बाबू, फॉर एग्जांपल, मार्कर खत्म हो गया, जैसे क्या सर, मान लीजिए 4x है सर, ठीक है सर, और इधर 0 है सर, हाँ सर अच्छी बात है, और यहाँ इक्वल टू लगा दिया, तो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, अलजेब्रिक क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, राइट डाउन कीजिए बाबू, इंक डाल रहे हैं, फिनिश हो गया, आप लोग को टाइम पे ही फिनिश होना था, आप लोग जल्दी से सेंचुरी पूरे फिर देखो, 4x इक्वल टू 0 क्यों हुआ, हमने आपको क्यों नहीं, आपको हमने क्या बताया कि दो गो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीजिए बाबू, उसको इक्वल टू साइन से अटैच कर दीजिए, एक एक्सप्रेशन ये है सर, दूसरा एक्सप्रेशन ये है सर, 0 भी आल्सो ये बाबू एक्सप्रेशन है, वो भी मेरा क्या एक एक्सप्रेशन है ना, आप इसको बीच में क्या लगा दो, इक्वल टू साइन लगा दो, बीच में क्या लगा दो, मिडिल में इक्वल टू साइन लगा दीजिए है ना, हाँ तो वो मेरा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, वो मेरा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, चार चार मार्कर है बाबू इंक डालने में, अलजेब्रिक इक्वेशन, हाँ बाबू वी कैन सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशन को हम लोग सिंपली बाबू हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ही कहते हैं ना, चलो ठीक है अच्छी बात है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे सर, इक्वल टू साइन, यही एग्जाम्पल नहीं सर, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, जैसे 5 बाबू बाबू प्लस 4 इक्वल टू क्या सर,
इक्वल टू छोड़ो सर, ये टू बाद में हम लोग इक्वल टू पहले समझ लेते हैं ना। नेक्स्ट जैसे सेवन एक्स बाय जेड है ना, एक्स बाय जेड प्लस सिक्स है ना, और इधर बीच में थोड़ा सा गैप देना, हम बता रहे हैं। नेक्स्ट वो जैसे मान लो थ्री एक्स बाय जेड और प्लस कितना सर, टू सर है ना, ठीक है बाबू, फोर नंबर एग्जाम्पल। इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं ना, आएगा आएगा, ये अभी सोल्यूशन करवाएंगे लीनियर, तुरंत लीनियर इक्वेशन तुरंत हेडिंग आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, जो मन में ख्याल आ रहा है बाबू 10 मिनट के सारे अंदर दूर हो जाएगा। जैसे क्या है सर, 6x है बाबू प्लस 4y है और प्लस मान लो 5z है ना, इधर इधर मान लो 0 है, कुछ भी हो सकता है ना, फिफ्थ नंबर बाबू। ठीक है सर, हमेशा क्या होगा सर, हमेशा यही होगा सर, पावर 2 नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर बाबू प्लस 5x बाबू, और बाबू समझो ना, हम दे रहे हैं इक्वल टू साइन, दे रहे हैं लिखो ना, इक्वल टू साइन हम दे रहे हैं, अरे बाबू दे रहे हैं इक्वल टू साइन बाबू, दे रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो बाबू ये एक्सप्रेशन एक है सर, ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, इन दोनों को ज्वाइंट कर दो किससे, इक्वल टू साइन सर, दिस वन इज द वन एक्सप्रेशन, दिस वन इज द अदर एक्सप्रेशन ज्वाइंट विद इक्वल टू साइन, दिस वन इज द वन एक्सप्रेशन, दिस वन इज द अदर एक्सप्रेशन ज्वाइंट विद इक्वल टू साइन, दिस इज ऑल्सो ज्वाइंट विद, तो दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर बाबू इक्वेशन, दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर बाबू इक्वेशन एग्जाम्पल्स है ना। कौन कौन गायब है जी, दीपक आया है, चलो ठीक है दीपक, पीयूष है, दिव्यांशु कार्तिक, जीवितेश आया, बिट्टू है, सत्यम बाबू वीडियो ऑन कीजिए, विजयंत क्या चल रहा है बाबू, विजयंत मोहित बाबू शैतान है, अब पंकज कहाँ गया, विजयंत बाबू फिर इसको पीटेंगे, फिर अटेंडेंस मार्किंग कर रहे हैं इसको, ये सब की तो सुनेगा नहीं, विजयंत अटेंडेंस मार्किंग करेंगे, आके धुनेंगे बाबू, अब मोहित सर का वीडियो का बंद है बाबू, विजयंत नहीं ना सुन रहा है उसको, फिर अथी करते हैं, अब पंकज आया है, पंकज आ गया है, श्रुति भी आ गया, आकांक्षा भी आ गई, आप लोग जल्दी से सेंचुरी पूरी हो बाबू, मेरा कनेक्ट नहीं हो, अच्छा चलो ठीक है, हम लोग इस बैच में बाबू नेक्स्ट थोड़ा सा ज्योमेट्री भी पढ़ लेंगे, क्योंकि आप लोग के स्कूल का एग्जाम देने रहता है ना, तो वहां से थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री का भी कंसेप्ट आएगा ना, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। लिख लिए सर, ठीक है नेक्स्ट बाबू, अभी एक टर्म है बाबू लीनियर इक्वेशन है ना, उसके बाद बाबू अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट है ना बाबू, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है सर है ना, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल है ना, जो भी कोई भी टॉपिक रहे बाबू, तो उसका हेडिंग का मतलब समझ गए ना, तो आपका 50% कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ तो सर इसका हेडिंग का मतलब ही नहीं समझ में आता, इसीलिए आप लोग को बाबू कंफ्यूजन होता। नेक्स्ट हम लोग देंगे बाबू इसी में बाबू इक्वेशन में बाबू लीनियर इक्वेशन है ना, जैसे टाइप्स ऑफ इक्वेशन होता है बाबू, लीनियर इक्वेशन होता है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है ना, ये सब टाइप्स होते हैं बाबू, तो ये सब हम लोग आप पढ़ा चुके हैं ना, तो हम लोग बाबू पहला जो पढ़ेंगे बाबू लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन हाँ सिर्फ हेडिंग दो फिर हम समझा रहे हैं, लिखे हेडिंग सिर्फ दीजिए बाबू लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है ना, वेरी गुड बाबू, ठीक है देखो लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे, एकदम शांति से सुनना है आपको, अलजेब्रा में बताएं बाबू ये जो एक्स है सर, ये जो वाई है सर, ये जो जेड है सर, दीज आर कॉल्ड बाबू वेरिएबल्स, दीज आर कॉल्ड बाबू क्या वेरिएबल्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं वेरिएबल्स कहते हैं ना, आपको बताया था बाबू अलजेब्रा में दो टर्म हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, एक वेरिएबल सर, सेकेंड वन इज कॉन्स्टेंट है ना, देखो थोड़ा सा एक मिनट रिकैप कर लेते हैं ना, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है सर, वेरिएबल मींस क्या होता है बाबू, वेरी करना, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, और कांस्टेंट होता है जिसकी चेंज नहीं होती, हां बाबू वेरिएबल मींस बाबू क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या हो बाबू चेंज करे, जिसकी वैल्यू क्या हो चेंज करे है ना, वैल्यू जो चेंज करे उसको हम लोग क्या कहेंगे वेरिएबल कहेंगे, और जिसकी वैल्यू फिक्स रहे बाबू जो चेंज नहीं करे उसको हम लोग क्या कहेंगे कांस्टेंट कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बाबू, फॉर एग्जांपल शायद आज लगता मॉबिंग बताया, जैसे मान लो आपका आज एज बाबू, एज मान लो आप आज बाबू मान लो कि 15 इयर्स के हो है ना, 15 इयर्स आपका आज एज है बाबू, और मान लो 15 डेज है,
तो कल आपका एज बाबू कितना होगा, 16 डेज हो जाएगा, 15 16 डेज हो जाएगा ना. नेक्स्ट बुक कितना होगा, 17 डेज होगा, 15 या 17 डेज होगा. तो आपका एज क्या हो रहा है, डे टू डे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है वो. तो जो चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका एज क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया. आपका एज क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया. ठीक बाबू, कॉन्स्टेंट का एग्जाम्पल दीजिए बाबू, कॉन्स्टेंट का एग्जाम्पल. तो जैसे मान लो बाबू आपका घर है, ठीक है सीता, आपका क्या बाबू घर है ना, घर है. ठीक ठीक है बाबू, ये आपका क्या बाबू घर है कि नहीं. और यहाँ बाबू मान लो कि आपका क्या स्कूल है, ठीक आपका स्कूल है, अच्छी बात है ना. तो बाबू अगर आप स्कूल और घर अगर चेंज नहीं करते बाबू, तो ये जो आपका स्कूल से बाबू, ये आपका होम हो गया और ये आपका स्कूल हो गया, है ना, स्कूल हो गया. तो जो बाबू स्कूल से होम का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. अगर आप बाबू आप स्कूल या बाबू अपना हाउस चेंज नहीं करते हो, तो डिस्टेंस वहां के बीच के डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. तो ये आपका क्या चीज, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया. ये आपका क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया. जैसे मेरा हाइट सर, तो मेरा हाइट मान लो जितना 5 फीट है बाबू, 5 फीट है या 6 फीट है ना, तो मेरा हाइट फिक्स है, कभी अब चेंज नहीं होगा. कभी हम इतना लंबा नहीं होंगे बाबू, अनाटा नहीं है ना, इतना ही पे है, इतना ही पे राम राम सत्य हो जाएगा. ठीक है, तो मेरा हाइट क्या बाबू फिक्स है. तो ये क्या हो गया, फिक्स चीज हो गया. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट कहेंगे. जैसे आपका हाइट, तो आज आप इतनी से बाबू, तो कल थोड़ा सा बढ़ोगे मिलीमीटर में, परसों थोड़ा सा और बढ़ोगे मिलीमीटर में, तो आपका हाइट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा. तो आपका हाइट क्या हो गया, वेरिएबल हो गया. मेरा हाइट क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया. तो ये मतलब होता है ना, चलो ठीक है, वेरिएबल कॉन्स्टेंट का ये मतलब होता है ना. हमको ये पढ़ाना नहीं था, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके थे. ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब ये क्या बाबू, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या बाबू, है ना. तो देखो जो वेरिएबल होता है ना, उसको कैसे, जैसे आपको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपके नाम के थ्रू. जैसे हो गया बाबू विद्यांश हो गया, अध्यांश हो गया, है ना, तो ये सब आपके नाम के थ्रू रिप्रेजेंट करते. तो उसी तरह से बाबू जो वैल्यू चेंज होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट के थ्रू. कैसे बाबू, अल्फाबेट के थ्रू. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट के. मतलब क्या सर, ए से, बी से, सी से, डी से, एक्स से, वाई से, जेड से. वेरिएबल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. ठीक है बाबू, तो लीनियर इक्वेशन इसको आप यूज करेंगे, लीनियर इक्वेशन में यूज करेंगे, है ना. मतलब लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे बाबू, वैसा इक्वेशन बाबू जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो, वन हो. वैसा इक्वेशन बाबू जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो, वन हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे. मतलब नहीं समझ में आया, देखो शैतान, जैसे मान लो कोई आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लो, है ना, कोई एक्सप्रेशन लो, उसका इक्वेशन बनाओ, और उसमें देखना बाबू वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या रहना चाहिए, वन रहना चाहिए. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे. जैसे समझाते हैं भाई, है ना. रेज तो करने दो बाबू, आपको बाबू इस तरह से पढ़ाएंगे कि पूरा इंडिया में कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा इस तरह से, ठीक है ना. जैसे इसको बाद में हम लोग डिफाइन करते, समझने की कोशिश करो. जैसे आपको हमने क्या बोला सर, लीनियर इक्वेशन, तो इक्वेशन का मतलब तो स्टार्टिंग में बता दिए, है ना. अब थोड़ा लीनियर का मतलब बता देते हैं, तो हमको क्या होगा, दोनों लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना. तो जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे 2x + 5 = 0, तो दिस इज कॉल्ड क्या बाबू, इक्वेशन, है ना. इक्वेशन में x मेरा क्या सर, वेरिएबल है, है ना. और किसी भी वेरिएबल का यदि पावर नहीं कुछ यहाँ मेंशन है, यहाँ नहीं कुछ मेंशन है, तो बाय डिफॉल्ट 1 समझा जाता है. शांति से सुनो और शांति से पढ़ो, है ना. किसी भी वेरिएबल पे पावर, किसी भी बाबू वेरिएबल पे कुछ पावर अगर नहीं मेंशन है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे पावर 1 समझेगा, है ना. ठीक है सर, अब देखो ये जो होता है, जैसे ये हो गया, यहाँ इसके सर पे जो रहता है, सर पे जैसे एक से बाबू यहाँ सर पे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, या क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं. क्या कहते हैं, डिग्री. दो नाम, कैसे आपका दो नाम होता है, किसी का बिट्टू, किसी का चिंटू, किसी का मिंटू, तो उसी प्रकार वो ये बेस हो गया, इसके सर पे जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे या डिग्री कहेंगे, है ना. ठीक है सर, तो लीनियर का मतलब क्या बाबू, ये क्या एक इक्वेशन है सर, इसमें वेरिएबल को ओपन कर, वेरिएबल को ध्यान से देखिए, वहां पर पावर कितना है सर, 1 है. अभी बताएं किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर नहीं कुछ मेंशन किया हुआ, मतलब कितना पावर, 1 है, है ना. ठीक है बाबू, तो यहाँ पे पावर कितना है सर, 1 है. ठीक ठीक है सर, तो 1 पावर हो गया. तो वैसा इक्वेशन बाबू जिसमें वेरिएबल का पावर अगर 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे. उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, है ना, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, है ना. ये एग्जाम्पल 1 हो गया. जैसे और सर, जैसे मान लो 6xy बाबू अब +6z बाबू अब +2 = मान लो कितना बाबू, मान लो y है ना बाबू, या 0 ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, है ना. तो यहाँ पे देखो बाबू वेरिएबल पकड़ो सर, हमको कॉन्स्टेंट से, नंबर से नहीं मतलब, जितना भी नंबर है ना बाबू, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 2000, 3000, 1 लाख, 2 लाख, वो सब क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं,
है ना, तो हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, कांस्टेंट से मतलब नहीं है ना, हमको वेरिएबल से मतलब। सर मैं लीव करके ज्वाइन कर सकता हूँ सर, स्क्रीन पर नथिंग शो कर रहा है। ठीक है बाबू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। पीयूष मजा ले लीजिए बाबू, पीयूष बाबू वीडियो बंद है ना, अटेंडेंस मार्किंग करते हैं। अरे आपका नहीं बाबू, पीयूष कंचनपुर वाला, आप कौशल है ना, आपको कौशल कॉल करेंगे ठीक है ना, हमेशा आप तो हम कॉमेडियन नहीं हो ठीक है ना, हमेशा बोलते थे आप हमेशा बीच में क्यों करते। यहाँ क्या सर, क्या बाबू वेरिएबल है, तो यहाँ देखो वेरिएबल पे सारे वेरिएबल पे पावर क्या बाबू वन है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन कहेंगे ना, आगे हम आपको बताएंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर करो, आफ्टर देन कंसेप्ट का क्लियर बाबू लीनियर, फिर वन वेरिएबल का आएगा है ना। नेक्स्ट वो थर्ड नंबर, जैसे बाबू मान लो 7x² बाबू अब प्लस 5x बाबू अब प्लस 6 सर इक्वल टू 0 सर, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। वेरिएबल दो, वेरिएबल देखो, वेरिएबल वेरिएबल यहाँ सर क्या x, यहाँ पावर क्या हो गया 2 हो गया, मतलब इसकी डिग्री कितना हो गया 2 हो गया, 2 है ना, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। इसमें बाबू डिग्री कितना, इस इक्वेशन का डिग्री कितना बाबू, डिग्री मीन्स पावर, एक इक्वेशन डिग्री कितना 1 है, इस इक्वेशन में डिग्री कितना सर, डिग्री मीन्स पावर, पावर कहो या डिग्री कहो, पावर लिख देते, लिख देते डिग्री बोलो चाहे पावर बोलो है ना, कितना सर 1 है सर, ठीक है। अरे शैतान बता रहे हैं, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, इसमें सर इसमें डिग्री कितना सर, मैक्सिमम डिग्री 1 होना चाहिए है ना, तो इसमें डिग्री कितना बाबू, डिग्री भी 1, डिग्री कहें चाहे पावर कहें, डिग्री कहें चाहे पावर कहें ना, कितना बाबू 1 है ना, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना है सर 2 हो गया, यहाँ पे डिग्री चाहे पावर कितना हो गया 2 हो गया, एलकेजी का चीज है ना, यहाँ पे डिग्री चाहे पावर कितना हो गया 2 हो गया है ना, ये हो गया आपका डिग्री, या इसी को क्या कहेंगे पावर, कैसे आपका चिंटू मिंटू दो का नाम नहीं जाता बाबू, उसी तरह से इसका भी नाम है 2 3, एक्सपोनेंट भी कहते हैं कभी कभी ना, आएगा आएगा ना, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो गया सर 2 हो गया, कैसे, अरे यहाँ पावर मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम 2 है ना, तो इसी तरह क्या हो गया 2 हो गया, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन है ना बाबू, ये मेरा क्या होगा बाबू, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा है ना, ये क्या होगा नॉट लीनियर इक्वेशन है ना, नॉट लीनियर इक्वेशन कि नहीं, अध्यांश बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, यस सर यस, और कौन है बाबू, विधान आर यू गेटिंग बाबू, मुझे आ रहा समझ में, हां बाबू दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक बाबू, सबसे आसान टॉपिक इक्वेशन होता, दीपक आपको समझ में आ रहा बाबू, यस सर, हां बाबू ये क्या होगा बाबू, लीनियर इक्वेशन होगा, ये क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा है ना, लीनियर इक्वेशन बनेगा ठीक, लीनियर, ये भी क्या होगा सर, लीनियर इक्वेशन होगा, ये भी जो है बाबू, ये भी मेरा क्या बनेगा सर, लीनियर इक्वेशन बनेगा है ना, ये लीनियर इक्वेशन बनेगा कि नहीं बाबू, लीनियर इक्वेशन बनेगा ठीक, ठीक सर, यहाँ तक तो बात हमको समझ में आती है सर, समझ में आती है। नेक्स्ट बाबू फोर नंबर एग्जाम्पल देखो, यहाँ मान लेते ऐसे लिख देते सर 8z^3 + 5z^2 + 6x y = 4, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना सर 3 हो गया, तो सर नहीं होगा, हाँ इस इक्वेशन का डिग्री बोलेंगे सर, इक्वेशन अभी जो जो अभी लिखोगे उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले समझा रहे हैं तो समझना, आफ्टर देन बाबू हम बोलेंगे लिखने के लिए तो लिखना, जो जो लिखा होगा उसका देखने का सुबह बुद्धि उसका माइंड नहीं काम करेगा है ना, 3 को भागा ना शैतान, ये डिग्री है बाबू है ना, या इसी को पावर कहेंगे है ना, पावर कहेंगे ठीक है, तो पावर कितना सर 3 है, तो पावर 3 आ गया ना, तो 1 नहीं ना, नहीं ना, ये भी मेरा बाबू लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये नॉट लीनियर इक्वेशन। सुधांशु आए बाबू, शिवांशु सर अगर 1 से अबव कोई भी नंबर हो पावर पे तो उसको नॉट लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, हाँ यस बाबू। श्रुति बाबू समझ में आ रहा, श्रुति अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। अंकित ये शुभांशु आया कि नहीं आया सर, उसका स्कूल स्टार्ट हो गया आज से, तो वो स्कूल भी ट्यूशन भी, वो बोला कि सुबह वाला बैच कर लेंगे। अरे शैतान, आई नी क्वेश्चन बाबू, आई नी ये बेसिक बैच था बाबू ठीक है ना, सुबह वाला अच्छा ठीक है, इसको डिफाइन करो लीनियर इक्वेशन हेडिंग दो, इसको डिफाइन कीजिए बाबू, आई नी क्वेश्चन बाबू, आई नी इन व्हिच बाबू, इन व्हिच बाबू द हाईएस्ट, द हाईएस्ट बाबू, द हाईएस्ट पावर ऑफ, डिफाइन कीजिए बाबू, डिफाइन कीजिए, आई नी क्वेश्चन बाबू, इन व्हिच बाबू द हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ द
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वेरिएबल बाबू इज वन इज वन बाबू इज नोन एज बहुत श्रुति तेज इज नोन एज लीनियर इक्वेशन देखो होता क्या ना बाबू, आप लोग कैसे स्कूल में बाबू पढ़ते हो, टीचर बोर्ड पे लिखता है तो पीछे भुनूर भुनूर गप करते हो, और जब टीचर पीछे देखता है तो आप लोग साइलेंट हो जाते हो। वही मेरे बात है, मेरे साथ है, हम पीछे देखते तो आप लोग का वीडियो ऑन हो जाता है, और जब बोर्ड पे रहते अरे शैतान लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे थे। चलो ठीक है ठीक है, लिखिए लिखिए, कुछ बोल रहे थे कि हाँ बाबू आपका वीडियो बंद था बाबू, लिखे लिखे जल्दी सर, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा ठीक है ठीक ठीक है बाबू ठीक है। आकांक्षा दिव्यांशु सुधांशु नहीं आया है, और वो बच गया दिव्यांशु कार्तिक। आकांक्षा आकांक्षा बाबू समझ में आ रहा है आकांक्षा? सर फिर भी 26 स्टूडेंट है आज। अरे शैतान सेंचुरी पुराने का टारगेट है बाबू। चलो ठीक है वेरी गुड बाबू, जल्दी से लिखे राइट डाउन फास्ट बाबू। गौरव बाबू समझ में आ रहा है गौरव? यस सर। हाँ बाबू आपको तो आना ही चाहिए सर। फेयर में तीनों कलर चारों कलर से लिखना जरूरी है सर? नहीं बाबू कंपलसरी नहीं बाबू, दो मैक्सिमम दो कलर दो पेन यूज कीजिए ना, दो कलर का पेन यूज कीजिए मैक्सिमम। और जिसका 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 रफ में नहीं लिखा रहा, जिसका जिसका फेयर नहीं किया रहा तो पीटेंगे, बहुत पीटेंगे। म्यूट हो पीयूष कॉल क्यों कर रहा बाबू? वन मिनट बाबू कॉल आ रहा है किसी का, बोलो पीयूष बाबू। शैतान क्या चीज में डाटा खत्म कर दिए? चलो ठीक है हाँ, तो अच्छा वीडियो देख लीजिएगा ठीक है ना बाबू? ठीक ठीक है बाबू। बाबू तो रिचार्ज कीजिए, खत्म हुआ है तो। चलो ठीक है सर, 102 MB बच रहा है सर, कितना चल पाएगा? अच्छी बात है। सालनी बाबू समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर पार होता है सालनी? नहीं समझ में आ गया। धीरे धीरे हम लोग सारा चैप्टर कवर कर लेंगे, जल्दी 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 कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए थोड़ा सा। वेरी गुड, दो तीन स्टूडेंट अभी गायब है बाबू, एक दिव्यांशु कार्तिक है पटना से, सर नीचे थोड़ा सा बोर्ड काट रहा है। अच्छा ठीक है कर देते हैं। अरे ठीक है बाबू सुन लिए, चलिए अच्छी बात हो गया सर। लक्ष्मी बाबू समझ में आता है? अभी अभी मत कीजिएगा सर, अभी मेरा नहीं हुआ है बाबू। तो फास्ट लिखो, आपके चलते हम रुकेंगे नहीं, स्लो लिखोगे तो रुकेंगे नहीं। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया ठीक है। नेक्स्ट बाबू सॉल्यूशन फिर में लिखोगे तो थोड़ा सा दिखने दीजिए ना, फेयर में लिखोगे तो पीट देंगे, उसमें कोई मर्ज़ी, हमको रफ में भी सर फेयर में नहीं लिख रहा है सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बाबू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल सर मतलब जिसमें एक वेरिएबल हो। हाँ बाबू देखो इसको इसको समझा देते, इसको क्या लिखा बाबू, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब क्या, वैसा इक्वेशन सर, वैसा लीनियर इक्वेशन सर जिसमें एक ही टाइप का क्या हो वेरिएबल हो, जिसमें दो टाइप का वेरिएबल नहीं हो। मतलब आप क्या सर, यहाँ देखो बाबू यहाँ क्या है, एक ही पहले क्या होना चाहिए लीनियर होना चाहिए, और उसके साथ क्या होना चाहिए बाबू वन वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ बाबू क्या ये लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ एक ही टाइप का वेरिएबल है ना बाबू, एक ही टाइप का वेरिएबल है ना एक्स है सर,
तो ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये क्या हो गया बाबू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक ठीक सर, नेक्स्ट बाबू यहाँ क्या सर, यहाँ दो टाइप का वेरिएबल हो गया, एक है एक जेड है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, क्या हो गया बाबू लीनियर इक्वेशन इन टू, यहाँ दो टाइप का वेरिएबल है बाबू, मतलब क्या सर जिसमें बाबू सिंगल टाइप का वेरिएबल हो, जैसे एक्स रहे तो एक्स ही रहे, वाई रहे तो वाई रहे, है ना बाबू, जेड जेड है तो जेड है बाबू, तो जेड ही रहे, है ना, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे, जिसमें दो टाइप का इक्वेशन वेरिएबल रहे, जैसे यहाँ एक्स है सर यहाँ जेड है, तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे, है ना, तो हमको बाबू जिसमें तीन टाइप का वेरिएबल रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल कहेंगे ना, तो हमको बाबू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है ना, टू वेरिएबल पढ़ना, यही दो को पढ़ना है ना, वही दोनों से हमको आता है ना, तो लीनियर इक्वेशन क्या बाबू वन वेरिएबल है ना, तो अरे शैतान अरे शैतान बताएंगे क्यों आ रहा बाबू, अभी आ रहे आएगा ना, स्थिर रहे ना, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है बाबू, इससे पहले एक टर्म है बाबू सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सोल्यूशन के बारे में बताएं, इक्वेशन का सोल्यूशन है ना बाबू, सोल्यूशन क्या होता है, ये सब क्या है सर, इक्वेशन पढ़ने से पहले सब बेसिक टर्म आएगा, जैसे क्वेश्चन देगा फाइंड द सोल्यूशन बाबू ऑफ गिवन इक्वेशन, तो सोल्यूशन का मतलब सिग्निफिकेंस समझोगे तब ना, सिग्निफिकेंस समझोगे तब ना, तो नेक्स्ट बाबू हम लोग कहेंगे बाबू सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ना, सोल्यूशन क्या होता है सर, है ना, सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट बाबू सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ना, वो डिफाइन कर लेते हैं, नेक्स्ट बाबू सोल्यूशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ना, इसको डिफाइन हम लोग पहले थोड़ा समझा देते हैं, सोल्यूशन होता क्या चीज है बाबू, है ना, सोल्यूशन क्या चीज है बाबू, देखो सोल्यूशन कुछ नहीं, ड्रा दिया गया है ना, ड्रा दिया गया, इतना बड़ा नाम लिख के ड्राया गया और कुछ नहीं, देखो कैसे इसमें बाबू आपको अपने मन से है ना, अपने मन से बाबू x का वैल्यू फाइंड करना है, उसका नियम प्रोसेस है, नियम प्रोसेस है ना, तो x का जो वैल्यू फाइंड करो बाबू, तो जो x का मान आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, कुछ हो ना समझ में आया सर, आप बोले जाए, देखो समझो एग्जांपल से समझाते हैं ना, ठीक है ना, एग्जांपल से समझाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, अध्यांश बाबू समझ में आ रहा बाबू, अध्यांश और विद्यांश, यस सर यस सर, हां पंकज आपको कहां देख रहा है, पंकज उधर कहां देख रहा है, देखो ना एकदम भून देंगे एकदम, सही कहते बहुत मार मारेंगे, इसी स्टिक को लेकर आएंगे, बढ़िया ना पीटे बाबू संडे को, पंकज है बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो सोल्यूशन क्या होगा सर, अब शांति से सुनना, जैसे कोई इक्वेशन ले लेते सर, एक्स प्लस वन मान लेते माइनस ले लेते हैं ना, माइनस ले लेते सबसे आसान वाला, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बाबू इक्वेशन है, ठीक है शांति से सुनना, हर एक टर्म को समझो, दिस इज बाबू क्या इक्वेशन सर, क्यों सर, क्योंकि बाबू इक्वल टू साइन से अटैच है, ठीक है इक्वल टू साइन से अटैच है, ठीक, नेक्स्ट बाबू ये क्या लीनियर इक्वेशन है, क्यों सर, क्योंकि पावर वन है, ये क्या है सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्यों सर, क्योंकि एक ही टाइप का वेरिएबल है ना, अब आपको हम सोल्यूशन समझा रहे हैं, सोल्यूशन समझो, अब सोल्यूशन क्या था बाबू, अपने मन से यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखो, शांति से सुनो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखो बाबू, कि उसमें माइनस वन सबट्रैक्ट करने पे रिजल्ट जीरो आ जाएगा, x की जो वैल्यू रखोगे बाबू वही क्या होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, शांति सुन हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लिख रहे बाबू पीयूष सर, यानी जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा वही सॉल्यूशन होगा, हाँ वही सॉल्यूशन होता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है दिखाएगा है ना, चलो ठीक है सुनो, शांति से समझो, हमने सॉल्यूशन को क्या बोला, ठीक है ना, यहाँ से बाबू x के जगह आप वह मान रखे बाबू, वह मान रखे है ना, वह मान रखे बाबू है ना, जहां पे बाबू जिसमें वन सबट्रैक्ट करने पे रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे विधान बाबू, विधान एक्स की जगह विधान बाबू क्या रखेंगे, अध्यांश सर वन रखेंगे, माइनस वन है, अरे ठीक है ठीक है ठीक, ये बाबू क्या माइनस वन, तो एक्स की जगह वन रखो, इसको सबट्रैक्ट करो, वन माइनस वन, मम्मी क्या पढ़ाई बचपन में एलकेजी में, जीरो नहीं पढ़ाई है, हाँ सर जीरो पढ़ाई, तो आया कि नहीं आया, RHS आया ना बाबू, ठीक है सर, तो ये जो x बराबर वन जो आया बाबू, जो x बराबर वन आया बाबू है ना, जो x बराबर क्या आ गया वन आ गया बाबू, ई जे सोल्यूशन हो गया, यही बाबू x बराबर वन क्या बाबू एक सोल्यूशन है, ई जे सोल्यूशन हो गया है ना, ई जे सोल्यूशन हो गया, यही क्या हो सोल्यूशन हो गया है ना बाबू, किसका सर ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सर ऑफ इक्वेशन, कौन सा बाबू इक्वेशन, कौन सा
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ इक्वेशन कौन सा सर x minus 1 equal to 0 है ना तो x का वैल्यू यहां अब कैसे ही आएगा सर इसको हम बताएंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए बताएं अभी आपको मोटा मोटी हम सोचने के लिए बता रहे हैं ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया जैसे बाबू क्या जो आता है इक्वल टू अरे सारा चीज बताएंगे जैसे क्या बाबू x minus 2 equal to 0 है तो यहां पे x की वैल्यू क्या रखो सर कि उसमें 2 सबट्रैक्ट करने पे रिजल्ट 0 आ जाए तो क्या रखेंगे बताएं अब यहां क्या रखेंगे बाबू 2 रखेंगे सर सर x 2 2 minus 2 0 2 रखेंगे और उसमें सर 2 सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 minus 2 क्या हो गया 0 हो गया तो यहां पे क्या हुआ x बराबर 2 क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया x बराबर 2 क्या होगा इस इक्वेशन का कहेगा आपको क्वेश्चन कैसे कहेगा ये छोटका है ना इसमें बड़ा बड़ा आएगा कहेगा बाबू कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मींस वहां पे वेरिएबल का वैल्यू निकाल वेरिएबल का क्या निकालना वैल्यू निकालना है ना वेरिएबल का क्या निकालना बाबू वैल्यू निकालना है ना तो 2 minus 2 क्या होगा 0 हो गया दैट इज कहने का मतलब क्या होगा वो x बराबर 2 क्या होगा वो इज अ सॉल्यूशन हो गया क्या हो गया इज अ सॉल्यूशन हो गया है ना शालिनी बाबू समझ में आ रहा है हां सर यस सर पीछे वाला रिवाइज नहीं करते बाबू टेस्ट मन से रिवाइज करके देती नहीं हो x बराबर 2 इज बाबू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाबू ज्यादा करने वाली है ठीक है तब सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिफाइन कर देते अब इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बताएंगे बताएंगे है ना कैसे फाइंड करेंगे ठीक इसको थोड़ा सा डिफाइन करो समझ में आ रहा है लक्ष्मी यस सर हां बाबू तो ये सब स्कूल में जानते हो कहां 5 6 में 7 में पढ़ाया जाएगा ऐसा कोई बात नहीं बाबू आपको 4th में भी रहोगे ना तो पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा मेरे यहां बच्चे बहुत सारे 3rd क्लास का हैं नेक्स्ट बाबू डिफाइन करो बाबू लिखिए बाबू राइट डाउन कीजिए राइट डाउन करो दिव्यांश विद्यांशु और शालिनी और स्वाति और उत्कर्ष लक्ष्मी राइट कर हाँ बाबू राइट डाउन कीजिए कौशल आकांक्षा आकांक्षा बाबू समझ में आया बाबू आकांक्षा यस सर हाँ तो फिर करते चलना छोड़ना नहीं है फिर करते चलना सर वो क्या दिया है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाबू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सो करेक्ट का साइन लग रहा है 37 एमबी बच हो जाएगा सर नहीं होगा ठीक है चलो जितना हो रहा करो बाकी वीडियो देखते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल वो दैट सैटिस्फाई दैट सैटिस्फाइड बाबू दैट सैटिस्फाइड द इक्वेशन सर दैट सैटिस्फाइड के बाद क्या लिखते हैं That satisfy the equation, Babu. That satisfy the equation is called solution. Is called the solution. Example number 1 to Babu. अब हम लोग solution निकालेंगे कैसे सर? ये क्या बाबू? Linear equation in one variable है ना? Linear एक ही variable है ना सर? तो ये क्या वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है लीनियर क्यों है सर क्योंकि पावर वन है सर है ना इक्वेशन क्यों है सर हर एक स्टेटमेंट का मतलब समझना चाहिए क्योंकि इक्वल टू साइन है सर इन वन वेरिएबल हट रहे हैं बाबू हट रहे हैं वन वेरिएबल अनुज बाबू समझ में आ रहा है अनुज यस सर चलो अध्यांश विधान बाबू अच्छे से समझ में आ रहा है ना यस सर हां बाबू पीछे से कोई रिलेशन नहीं इस चैप्टर में बाबू हम जान के ये टॉपिक शुरू किए हैं बाबू कि आप लोग को पीछे से रिलेशन नहीं आवे आ इसको सुंदर सा फेयर भी लिखना विधान ऐसा नहीं बाबू कि क्लास करके छोड़ दिया फेयर भी करना है ओके सर और वो भी स्पाइरल आफ्टर द क्लास बाबू हम आपको समझाते हैं कैसे क्या प्रोसीड करना है ना ओके सर शालिनी बाबू हाँ अधिकांश को बाबू शालिनी अपसेट क्यों बाबू कुछ नहीं हुआ सर कुछ तो जरूर गड़बड़ बाबू श्रुति स्वाति डांट दी क्या सर वो दो बार लेफ्ट होके ज्वाइन की थी चलो ठीक बहुत सबका ध्यान रखते उत्कर्ष श्रुति बाबू समझ में आता है ये श्रुति शैतान ये तो खाली शक्ल से मासूम लगती है श्रुति बेचारी का नेटवर्क नहीं पकड़ता कहाँ भागे मिष्टी
सर कुछ नहीं विजयंत समझ में आ रहा बाबू असम्यक यस सर हाँ बाबू चलो ठीक है गौरव भी खुश है लिख ले बाबू यस सर चल अब हम लोग जल्दी लिखे अब हम लोग बाबू सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे बाबू वो हम लोग आपको बता अब वही इम्पोर्टेंट है ये सब बेसिक आपका बाबू जैसे मान लो आपको बिल्डिंग पे चढ़ना छत पे बाबू तो सीढ़ी है तो वही सब बाबू ये सब सीढ़ी है सॉल्यूशन बाबू सॉल्यूशन निकालने का ये सब क्या स्टेयर है तो एजुकेशन का मतलब ऐसा ही होना चाहिए कोई भी चैप्टर शुरू कीजिए सर तो बेसिक से लेकर लेवल हाई तक पढ़ा दीजिए यही तो म्यूट करो बाबू म्यूट कीजिए बाबू किसका म्यूट है तो इस तरह से बाबू आपको कहीं भी किसी का भी शैतान म्यूट करो बाबू कौन है जी बाबू अनुज म्यूट कीजिए अनुज बाबू चलो ठीक है इस तरह से बाबू आप किसी भी स्कूल का ऑनलाइन क्लास देखो जितना परफेक्ट तरह से हम आपको अरेंज करके पढ़ाएंगे कंसेप्ट भी पूरा देंगे बाबू क्लास भी टाइम पे होगा पंक्चुअलिटी के साथ होगा हर एक क्लास का रिकॉर्डेड देंगे अभी जो पढ़ाए बाबू वो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो ग्रुप में डाल देंगे आराम से किसी का कारण छूट जाता है नेटवर्क भाग जाता है तो रिकॉर्डेड देख लीजिए स्कूल में इतना सारा फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है नेक्स्ट बाबू ठीक है ना नेक्स्ट बाबू हेडिंग हाउ टू फाइंड बाबू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे है ना मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं सर हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं हर एक वर्ड का मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अभी तक आपको हमने कुछ नहीं पढ़ाया इक्वेशन का मतलब बताया सॉल्यूशन का मतलब बताया हाउ टू फाइंड जानवे कर तो सब सीबीएसई बोर्ड के हो ना बाबू ठीक है तो देखो कैसे करेंगे बाबू कंसेप्ट में कैसे करेंगे कंसेप्ट हाँ बाबू कंसेप्ट है बाबू कंसेप्ट लिखना जरूरी है ना ठीक है सर मान लो इधर बाबू ये इक्वल टू है ठीक जैसे पहले ये समझो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड कहीं भी ए बराबर बी लिखा हुआ ये समझो तो इधर जो रहता है इक्वल टू साइड के इधर जो रहता है टर्म रहता है इसको हम लोग कहते हैं आरएचएस ये होता है बाबू राइट हैंड साइड होता है ये ध्यान देना एकदम बेसिक ये सब बाबू बेसिक से एलकेजी से है ना धीरे धीरे आपको हम लेवल राइज करेंगे कंसेप्ट क्लास का मतलब यही होता है कोई भी टॉपिक बेसिक से शुरू कीजिए है ना बेसिक से हाँ बाबू ठीक है तो इक्वल टू साइड के राइट साइड जाएगा उसको हम लोग राइट हैंड साइड क्यों सर अरे मेरे शैतान इधर बाबू खड़ा हो जाओ ना देखो ना ये राइट हैंड इधर जाएगा तो ये राइट हैंड साइड हो गया लेफ्ट हैंड इधर आएगा तो ये मेरा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया कुछ नहीं हाथ है ना बाबू लेफ्ट हैंड साइड हाँ बाबू लेफ्ट हैंड साइड है ना लेफ्ट हैंड साइड ठीक है ना यहाँ पे खड़ा हो जाओ बाबू दिव्यांश बाबू है ना विधान देखो राइट हैंड किधर जा रहा है इधर जा रहा है सर तो ये राइट हैंड साइड इधर मेरा लेफ्ट जा रहा है सर तो इधर लेफ्ट हैंड साइड कुछ थोड़ी है इक्वल टू साइन पे खड़ा हो जाए इधर फेस करके है ना इसी को बाबू शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं बाबू राइट से आर ले लो हैंड से एच ले लो और आर एच एस हो गया इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं लेफ्ट से एल ले लो हैंड से एच ले लो साइड से एस ले लो ठीक नेक्स्ट ये कंसेप्ट नंबर वन था बाबू बेसिक से सारे स्टूडेंट जानते होंगे अब समझो लिखना लिखिए फिर समझाते हैं लिखिए बाबू एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं बाबू इससे ज्यादा बेसिक पॉसिबल नहीं है अध्यांश इंटरेस्टिंग लग रहा बाबू अध्यांश सर यस बाबा तो स्कूल का लाइफ ऐसे नहीं चलता बाबू आप थोड़ा मैं भी देखूं इनका क्या आईक्यू लेवल कहां तक है
मैम तो अभी तो क्लास चल रहा है ना, आफ्टर द क्लास मैम है ना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो कल मॉर्निंग में, मैं वही बोल रही थी, मैंने कहा मैं सर को बोलूंगी इनसे कुछ पूछना, लास्ट जो इन्होंने कर लिया ना टॉपिक्स। नहीं नहीं मैम, अभी मात्र 10 मिनट बाद मैम, वेट फॉर 10 मिनट आफ्टर द क्लास मैम, वी विल डिस्कस। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, आफ्टर द क्लास, ठीक है सर। ओके मैम, नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया सर, इधर क्या हो गया, राइट हैंड साइड, नेक्स्ट बोर्ड। अब यहाँ से कंसेप्ट से, डोंट राइट एनीथिंग बाबू, है ना, पहले कंसेप्ट सीखिए। ये प्लस है ना, ठीक है सर, शांति से सुनना, आप लिखोगे तो बाबू तो आपका आप समझो, ठीक है ना, आपका माइंड वाइनिस हो जाएगा। अगर प्लस को बाबू राइट साइड पकड़ के लेके जाते हो, माइनस प्लस को राइट साइड पकड़ के लेके जा रहे हो, मतलब बताएंगे अभी, जितना बता रहे हो उतना सुनो, ठीक है ना, इसका सिग्निफिकेंस का हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। प्लस को राइट साइड लेके जा रहे हो तो ये साइन माइनस हो जाएगा, बात समझो, हम जो बोल रहे समझो। प्लस को बाबू पकड़ के अगर आप राइट साइड लेके, यहाँ से पकड़े सर, इसको पकड़ के इधर लेके, तो ये ऑटोमेटिक माइनस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। मतलब क्या सर, जैसे मान लो यहाँ प्लस थ्री है, इसको पकड़ के राइट साइड लेके जाओगे ना सर, तो ये बदल जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, इसका सूरत चेंज होकर माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा। ऐसा नियम है इक्वेशन को बाबू सोल्व करने का, ऐसा तरीका। हमने हेडिंग क्या किया, हाउ टू फाइंड, कैसे करोगे, है ना। तो कोई भी क्वांटिटी इधर पॉजिटिव होगा तो उसको राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो किसमें बन जाएगा, निगेटिव में बन जाएगा, है ना, निगेटिव में बन जाएगा, है ना, निगेटिव में बन जाएगा, ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है सर। राइट हैंड साइड से बाबू अगर निगेटिव को पकड़ के लाओगे, राइट हैंड साइड से बाबू निगेटिव को पकड़ के लाओगे, निगेटिव साइन को, तो इस साइड आए थे तो पॉजिटिव बन जाएगा। सिंपल सा समझो बाबू, आप अभी अपने पापा जी के पास हो तो क्या कहलाओगे, सन कहलाओगे, है ना, बेटा कहलाओगे बाबू, है ना। और वही बाबू जब आप स्कूल में जाते हो बाबू, जब आप स्कूल में जाओगे तो वहां पे क्या आप बन जाओगे, स्टूडेंट बन जाओगे, वहां पे सन थोड़ी कहलाओगे, ये ऑटोमेटिक है। अभी आप घर में क्या कहलाओगे, पापा जी आपको क्या बेटा बेटा बोलेंगे ना, सन सन बोलेंगे, लेकिन स्कूल में टीचर आपको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट बोलोगे, ओवरऑल आपको क्या कहेंगे कि स्टूडेंट है ना। तो आपने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिक आपका जो बाबू है ना, आपका जो स्ट्रक्चर था बाबू ऑटोमेटिक ये सन से कैसा बन गया, स्टूडेंट बन गया, है ना। ठीक, सिमिलर इसी प्रकार बाबू, इसी प्रकार मेरे बाबू, कि अगर इधर क्या है सर, इधर अगर पॉजिटिव साइन है, इसको पकड़ के बाबू राइट साइड लेके जाते तो वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है ना, निगेटिव में कन्वर्ट। सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का, ठीक, पहला कंसेप्ट। नेक्स्ट बाबू, ठीक, ये प्लस की बात है ना, ठीक है सर, समझो समझो समझो। नेक्स्ट बाबू, ये हो गया सेकेंड नंबर का कंसेप्ट, है ना बाबू, सेकेंड नंबर का ए ना, इसी में तीन चार गो है, सेकेंड का ए हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, बी नंबर, इधर अगर माइनस रहेगा बाबू, इस साइड क्या रहेगा सर, माइनस रहेगा, लेफ्ट साइड क्या रहेगा, माइनस रहेगा, है ना बाबू, इक्वल टू साइन सर। इसको पकड़ के अगर बाबू पर माइनस बाबू, इसको पकड़ के अगर राइट साइड लेके जाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, प्लस में, है ना, ध्यान रखना। और इधर कोई क्या बाबू, प्लस है, इधर राइट साइड पर क्या प्लस, इसको पकड़ के लेफ्ट साइड लाए क्या हो गया, माइनस, माइनस हो जाएगा। जैसे आपके अरे सर, जैसे मान लो इधर क्या, जैसे मान लो बाबू इधर से क्या, x प्लस थ्री इक्वल टू क्या, जीरो है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये प्लस थ्री को पकड़ के इधर लेके जाएंगे, तो x बराबर यहाँ थ्री को हटा दिए तो यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये प्लस किस में जाएगा सर, माइनस में, माइनस में जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, तीन है जो तीन ही रहेगा बाबू। आप अपने घर में सन कहलाओगे, स्कूल में जाओगे स्टूडेंट कहलाओगे, लेकिन आपका जो रूप स्ट्रक्चर वही रहेगा ना, तो ये थ्री इधर था तो थ्री इधर आ गया, प्लस था उधर लेके गया तो माइनस हो गया, तो यही कंसेप्ट हम लोग इक्वेशन में यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे ना, इसी को यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसमें मेरा बाबू दोनों कैसा आ गया, प्लस को इधर भेजे सर, इधर से हमने माइनस को, हम लोग माइनस को इधर से इधर लाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस होगा, प्लस को लेफ्ट से राइट लाओगे तो माइनस होगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट, सी नंबर, अगर इधर क्या सर, मल्टीप्लाई है, लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है, मल्टीप्लाई है, लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है, मल्टीप्लाई, सी नंबर, अगर इधर मल्टीप्लाई, दिस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक्स मत समझ लेना, ठीक है ना, डोंट बाबू अंडरस्टैंड बाबू एक्स, दिस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लिख देते लिख लेते, आप लोग स्टूडेंट हो खतरनाक, ठीक है बाबू, है ना, नहीं तो, है ना, नहीं तो बाद में समझोगे कि ये क्या सर, एक्स है, एक्स नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल टू साइन, ठीक। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन को इधर लेके जाओगे, राइट साइड लेके जाओगे, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, और डिवीजन को पकड़ के इधर से बाबू, डिवीजन को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाओगे तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, ठीक, सी नंबर, डी नंबर बाबू, ठीक। इधर पे बाबू क्या डिवीजन है, इधर क्या डिवीजन, इक्वल टू साइन का उधर जाएगा,
तो किसमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, डिवीजन से इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, इसको अभी हम यूज करेंगे और मल्टीप्लाई को इधर कन्वर्ट करके लाओगे लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरा किसमें हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो ये इतना ही चार को बेसिक कंसेप्ट है बाबू, है ना, ठीक है। इधर तो बताइए दी, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट डाउन कीजिए बाबू। सर डन, वेरी गुड बाबू। दो स्टूडेंट कौन कौन भागा बाबू? सर आई हैव आल्सो डन। चलो अच्छी बात है सर, डीआईवाई। अरे शैतान रुको ना, एक आधो इस कंसेप्ट बता देते, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। उत्कर्ष क्या भाई के साथ शैतानी करा? उत्कर्ष बाबू, विजयंत, गौरव, दो स्टूडेंट कौन भागा? तीन को कौन भागा बाबू? एक पीयूष गया होगा, मिष्टी है, दीपक है, आकांक्षा भी है, धर्मवीर भी है। हाँ बाबू, इसको इक्वेशन में यूज करेंगे। समझ में आ रहा है गौरव बाबू? गौरव, यस सर। सौरभ भाग गया, सौरभ एगो भागा, एक सौरभ गया, एक पीयूष गया, दो हो गया, और शैतानी सबको अटेंडेंस करना पड़ेगा। अब इसको देखो, इस पर एग्जांपल एक दो कर लेते, एग्जांपल कर लेते हैं ना, एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से राइट डाउन कीजिए बाबू। लिख लिया, हो गया सर, हो गया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा स्पेस बच रहा है, यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाबू, अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन सोल्व करना सीखेंगे ना, लीनियर इक्वेशन बाबू हम लोग सोल्व करना सीखेंगे ना, ठीक है। जैसे क्या बाबू, कहीं भी x प्लस वन इक्वल टू जीरो है, ठीक, तो यहाँ से कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे करेंगे सर? वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, जो कॉन्स्टेंट है उसको राइट साइड भेजना। तो देखो कैसे भेजोगे, ये वन है, माइनस वन, हाँ ये वन है सर, तो यहाँ से वन को गायब कर दो, यहाँ से वन गायब कर दो, तो गायब होकर कहां जाएगा? दादी घर जाएगा कि नानी? कहीं नहीं जाएगा, बगल में जाएगा, राइट साइड जाएगा। ये जीरो इधर हो गया सर, ये जीरो का जीरो हो गया और वन इधर आ गया, है ना, ठीक। शांति से सुनो, और ये क्या सर, वन के साथ वो इसके साथ जो सिंबल रहेगा ना, दोनों को साथ साथ लेके जाना, साथ साथ। तो ये प्लस बाबू, तो इसको भी लेके उधर जा। तो बाबू ये क्या था, प्लस वो है ना, तो ये प्लस राइट साइड जाएगा सर, सर तो किसमें कन्वर्ट होगा, प्लस को राइट में, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो जीरो माइनस वन कितना होता सर? माइनस वन होता। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया? माइनस वन आ गया। कितना सिंपल है, कुछ है बाबू, कितना सिंपल है, कुछ है बाबू, है ना, no, sir. कुछ है, कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट, इसी कंसेप्ट को याद रखना, जैसे एक्स माइनस टू है सर इक्वल टू क्या बाबू, जीरो है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस टू को पकड़ेंगे, एकदम कस के पकड़ो, एकदम कस के, इसको पकड़ो और उधर लेके चल जाओ, तो ये माइनस टू यहाँ से गायब हो जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, अच्छा ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स से बचेगा और उधर चल जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अरे माइनस है ना बाबू, माइनस राइट साइड जाएगा, माइनस राइट साइड जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, तो प्लस टू हो जाएगा, और जीरो में किसी को ऐड करो तो वही नंबर होता है, जीरो टू ही आएगा, तो एक्स बराबर टू हो गया। समझे सालने, मेल के जी का बाबू कंसेप्ट है कि नहीं सालने? हाँ से समझ गया, ये पापा बता दिया था, अच्छी बात बाबू। तो हल्का सा कट रहा है, ठीक है, देते बाबू, देते ठीक है, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, आप लोग लिखो तो। सर थोड़ा डराने वाला दीजिएगा। नहीं बाबू अभी नहीं, अभी नहीं बाबू, अभी नहीं, अभी इसमें नया नया, सही में डर, सही में डर जाएगा, एगो दो स्टूडेंट में वो सही में डर जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है ना। अभी एक पढ़ाने दो, कल भर पढ़ाने दो, फिर डराने वाला जाएगा। अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं ना बताया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला नहीं ना बताया, वो सब सही में भाग। सर तो प्लस माइनस वाला डीवाई दे दीजिए। हाँ प्लस माइनस वाला दे रहे हैं, दो नंबर हुआ है ना, दो नंबर हुआ है ना एग्जाम्पल। अब इसी को हम लोग 50-60 एग्जाम्पल कर लेंगे, दो से कंटिन्यू है। तो ये सारा का सारा क्या बाबू, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, सारा का सारा क्या बाबू, ये डरना नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। तो हेडिंग दे दे,
यहाँ पे बाबू एक नंबर एग्जाम, यहाँ पे स्पेस आपको बचा होगा ना बाबू, तो थोड़ा सा हेडिंग दे देना, नहीं तो बाबू आप लोग फिर दिक्कत करोगे सर, लीनियर इक्वेशन पढ़ो। 2x + 1x। अरे सब आएगा बाबू, क्यों अखबार हो रहे हो, सब चीज आएगा। इस एग्जाम्पल के ऊपर थोड़ा सा स्पेस अगर बच रहा होगा तो हेडिंग दे दीजिए, है ना बाबू, क्योंकि नहीं हेडिंग रहेगा बाबू तो आप लोग हमको क्लेम करोगे ना सर, ये हेडिंग हमको तो पढ़ाई भी नहीं किया। इस एग्जाम्पल के ऊपर बाबू हेडिंग दे दो, सोल्यूशन ऑफ बाबू लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ बाबू लीनियर इक्वेशन, यहाँ था ना हाउ टू सोल्व, कैसे सोल्व करेंगे, है ना बाबू, तो उसके बाद हेडिंग दे देंगे बाबू। एग्जांपल नंबर 1 के ऊपर थोड़ा सा स्पेस होगा ना, वहां पे लिखो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन क्या बाबू, एक वेरिएबल, एक के वेरिएबल में, इन वन वेरिएबल बाबू। इस एग्जाम्पल के ऊपर में बोल रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस होगा तो वहां पे इतनी इतनी सा लिखो ना, उसके बाद फिर में लिख लेना, क्योंकि ठीक है ये हेडिंग अगर नहीं देंगे बाबू तो आप लोग फिर हमको क्लेम करोगे ना सर कि वन वेरिएबल पढ़ाए नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर ऑफ 3 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या हुआ बाबू साल ने? नेक्स्ट बाबू x प्लस बाबू 10 है इक्वल टू 0, फोर नंबर। z प्लस 5 बाबू इक्वल टू 3 है, फाइव नंबर। अभी एकदम सिंपल सिंपल आएगा, p प्लस बाबू 6 बराबर माइनस 10। हाँ ठीक है। नेक्स्ट बाबू p प्लस बाबू माइनस 10 बाबू इक्वल टू माइनस 2, सेवन नंबर हो, सेवन नंबर। अभी अभी इसमें बहुत वैरायटी है, यहाँ पे वेरिएबल नंबर माइनस टू। अच्छा ठीक है, पी माइनस बाबू 3/2 बाबू माइनस 5/7। अभी बहुत सारा वैरायटी है, बहुत सारा इसमें वैरायटी पॉसिबल है ना, नंबर 5 का आंसर माइनस 8। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एट नंबर, एट नंबर बाई नंबर सिक्स का आंसर टेन से चढ़ गया। अच्छा ठीक है, बाई बाबू माइनस बाबू 8/9, नाइन नंबर है ना। सब वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे तो अब डरती हो ना बाबू सालने, बहुत डर लगता है ना बाबू अलजेब्रा से। सर एबीसीडी वाला दीजिए। आएगा अच्छा ठीक है, आएगा अंकित, सारा आएगा बाबू, थोड़ा सा सब डर जाता है ना इसीलिए। देखो वो शिवांशु नाम है कि सुधांशु नाम है? सर शिवांशु उसका नाम है। हाँ शिवांशु नाम है, देखो डर के भाग गया ना बाबू, आप डराते डरा के मेरे स्टूडेंट को भाग देते हो, बता। सर वो बोला सुबह वाला बैच करेंगे, सुबह 5:30 बजे उठ के करेगा सर, वो तो बोला कि हम तो उधर से आते तो नहीं कर पाएंगे तो सुबह वाला बैच करेंगे। अच्छा वो इस टाइम में कितने बजे आता है? सर इस टाइम में तो ट्यूशन से पढ़कर 3 बजे जाता है, तो 4:30 बजे आया था। हाँ वो तो 7 बजे, 3 घंटे टाइम है। वो नाटक ऐसे हुआ, वो देखते नहीं कितना नोटिंग की बात है। सर 6 - 8/3 है, ये बी है, दिस वन इज द बी है, 6 नहीं। तो कल आइएगा जी बीतेश बाबू। सर साइड वाले में जाना। हाँ सर आऊंगा सर, हो गया। वेरी गुड बाबू, चलिए हो गया तो अच्छी बात है बाबू। सर मैंने 5